दोस्तों सब्सक्राइब करो अर्निंग बाबा को और अर्निंग बाबा के वीडियोस को सबसे पहले देखने के लिए इस बेल बटन को क्लिक करो। कूपन्स ले जो आपके फोन को हैंग होने से बचाए। क्या आप बहुत सारे शॉपिंग एप्स अपने फोन में इंस्टॉल करके अपने फोन को हैंग कराना चाहते हैं या फिर एक ऐप कूपन्स ले को इंस्टॉल करके अपने फोन को हैंग होने से बचाना चाहते हैं? कूपन्स ले जहां 100 से ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग एप्स आपको मिल जाएंगे और कूपन्स ले में आपको ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के डिस्काउंट कूपन्स और प्रोमो कोड्स मिलेंगे जिसका यूज करके आप अच्छी खासी सेविंग कर सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप कूपन्स एंड डील्स वेबसाइट बनाना चाहते हैं तो इसे कैसे बनाना है। तो कूपन एंड डील वेबसाइट बनाने के लिए आपको एक डोमेन नेम, एक वेब होस्टिंग, वर्डप्रेस और वर्डप्रेस के कुछ प्लगइन्स की जरूरत होगी। तो स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले आपको एक होस्टिंग परचेस करना होगा, होस्टिंग जहाँ पर आपका वेबसाइट का डेटा स्टोर रहेगा। तो आप सोच रहे होंगे कि कौन सा होस्टिंग परचेस करना चाहिए। तो वर्डप्रेस के लिए जो सबसे अच्छा वेब होस्टिंग है उनमें से 3 वेब होस्टिंग का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। आप चाहे तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक में जाकर अपने लिए वेब होस्टिंग परचेस कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको होस्टिंग का डिस्काउंट कूपन कोड डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इस कूपन कोड को यूज करके आप 51% डिस्काउंट पा सकते हैं अपने होस्टिंग पे। अपने वर्डप्रेस साइट के लिए एक अच्छा होस्टिंग परचेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप एक अच्छा होस्टिंग परचेस नहीं करते हैं तो आपका साइट अच्छे से ओपन नहीं होगा, आपका साइट स्लो हो जाएगा, साइट को लोड होने में टाइम लगेगा और अगर आपका साइट सही से ओपन नहीं हुआ तो आपके यूजर्स धीरे धीरे आपके साइट से दूर हो जाएंगे। और अगर आपका साइट लोड होने में ज्यादा समय लेता है तो इसका असर आपके साइट के हेल्थ और रैंक में भी पड़ेगा, क्योंकि जो साइट लोड होने में बहुत ज्यादा समय लेता है, स्लो ओपन होता है, उस साइट को गूगल नेगेटिव पॉइंट देता है जिससे वो गूगल सर्च में अच्छा रैंक नहीं करता है। तो एक अच्छा होस्टिंग परचेस करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी साइट के लिए। और स्टार्टिंग में हमें होस्टिंग में ज्यादा पैसे भी नहीं लगाना चाहिए, तो हमें चूज करना है एक चीप एंड बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग। मैंने अपने साइट्स के लिए मैंने बहुत सारे होस्टिंग यूज किया है और उन्हीं में से 3 सबसे बेस्ट वर्डप्रेस होस्टिंग का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। और मैं अपने एक्सपीरियंस से कह सकता हूँ कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि ये होस्टिंग्स स्पेशली वर्डप्रेस के लिए ही बनाया गया है। तो अब आगे बात करते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए होस्टिंग्स में आपको एक डोमेन नेम और SSL सर्टिफिकेट फ्री में मिलता है। साथ ही साथ आपको 1-क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन भी मिलता है, जिसके हेल्प से आप 1-क्लिक में अपने होस्टिंग में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। होस्टिंग परचेस कर लेने के बाद आपको अपने होस्टिंग में वर्डप्रेस इंस्टॉल करना है, जो कि बहुत ही सिंपल है। जैसे ही आप अपने होस्टिंग के कंट्रोल पैनल में लॉगिन करेंगे तो हर एक होस्टिंग के कंट्रोल पैनल में एक सॉफ्टवेयर कैटेगरी होता है और आपको इस सॉफ्टवेयर कैटेगरी में वर्डप्रेस दिख जाएगा। ये रहा होस्टिंग का कंट्रोल पैनल और ये रहा सॉफ्टवेयर कैटेगरी और ये रहा वर्डप्रेस। डिस्क्रिप्शन में दिए गए होस्टिंग्स में आपको 1-क्लिक वर्डप्रेस इंस्टॉलेशन मिलता है, जिसके हेल्प से आप बहुत ही इजीली अपने होस्टिंग में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर सकते हैं। अगर आपको नहीं पता कि वर्डप्रेस को कैसे इंस्टॉल करना है तो वर्डप्रेस को इंस्टॉल कैसे करना है इस पर मैंने पहले ही वीडियो बनाया है, डिस्क्रिप्शन में आपको उस वीडियो की लिंक मिल जाएगी। आप उस वीडियो को देखकर इजीली अपने होस्टिंग में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर लेंगे। अगर फिर भी आपको अपने होस्टिंग में वर्डप्रेस को इंस्टॉल करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप कस्टमर सपोर्ट को कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कस्टमर सपोर्ट टीम आपके होस्टिंग सर्वर में वर्डप्रेस को इंस्टॉल कर देंगे, क्योंकि जिन होस्टिंग्स का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है उनका कस्टमर सपोर्ट अवार्ड विनिंग है। तो फिर आगे चलते हैं। वर्डप्रेस को अपने होस्टिंग में इंस्टॉल करने के बाद हम अपने वर्डप्रेस के एडमिन पैनल में लॉगिन करेंगे और ये लॉगिन हो गया। ये रहा वर्डप्रेस का एडमिन पैनल। अब हमको एक थीम और कुछ प्लगइन्स की जरूरत होगी। आप चाहे तो फ्री थीम्स यूज कर सकते हैं या फिर पेड थीम भी यूज कर सकते हैं। कूपन एंड डील वेबसाइट के लिए वर्डप्रेस का जो पेड थीम है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है। अगर आप अपने कूपन एंड डील वेबसाइट के लिए पेड थीम परचेस करना चाहते हैं और अपने कूपन एंड डील वेबसाइट को एक ब्यूटीफुल लुक देना चाहते हैं, जैसे कि बड़े बड़े कंपनीज के कूपन एंड डील वेबसाइट की होती है वैसा डिजाइन देना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए प्रीमियम या फिर पेड थीम्स परचेस करके आप अपने कूपन एंड डील वेबसाइट को एक अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं, या फिर आप चाहे तो फ्री थीम भी यूज कर सकते हैं। तो पहले हम एक फ्री थीम चूज कर लेते हैं इस कूपन एंड डील वेबसाइट के लिए। तो इसके लिए हम अपीयरेंस में जाते हैं और यहाँ पर थीम्स में क्लिक करते हैं और यहाँ पर एड न्यू में क्लिक करते हैं और यहाँ पर सर्च थीम्स, यहाँ पर हम इस थीम का नाम है एडिटोरियल मग लाइट, तो हम इसी थीम को यूज करेंगे इस कूपन एंड डील वेबसाइट को बनाने के लिए। इसे हम इंस्टॉल कर लेते हैं और ये इंस्टॉल हो गया, उसके बाद इसे एक्टिवेट कर लेंगे। तो ये थीम एक्टिवेट हो गया। अब हम पेजेस में चलेंगे
और यहां पर ऐड न्यू पेज में क्लिक करेंगे और यहां पर हम एक न्यू पेज क्रिएट करेंगे। इसका टाइटल हम कूपन्स, प्रोमो कोड्स, डील्स, ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया, क्योंकि इस पेज को हम इस कूपन एंड डील वेबसाइट का होम पेज बनाने वाले हैं। और इस पेज को बनाने के बाद हम पब्लिश बटन में क्लिक करेंगे। इसके बाद हम सेटिंग में जाएंगे और यहां रीडिंग में क्लिक करेंगे और यहां पर हम स्टैटिक पेज को सिलेक्ट करेंगे और यहां नीचे में फ्रंट पेज में हम वही पेज को सिलेक्ट करेंगे जिस पेज को अभी हमने बनाया। तो कूपन, प्रोमो कोड्स, डील्स, ऑनलाइन शॉपिंग इंडिया, इस पेज को हम यहां सिलेक्ट कर लेंगे। नीचे सेव चेंजेस में क्लिक करेंगे। इसके बाद फिर हम पेजेस में जाएंगे और होम पेज को एडिट करेंगे जिसे हमने जस्ट अभी बनाया। यहां पर हम ऐड मीडिया में क्लिक करेंगे, अपलोड फाइल्स में क्लिक करेंगे और यहां पर स्टोर के इमेजेस को अपलोड करेंगे जैसे कि कूपन साइट्स में होता है। तो यहां पर हम तीन स्टोर के इमेजेस ही अपलोड करेंगे, अमेजॉन, मिंत्रा एंड फ्लिपकार्ट का। और इसी तरह से आपको बाकी स्टोर्स को भी ऐड करना है। और इमेजेस को अपलोड करने के बाद अपडेट बटन में क्लिक करेंगे। अब हम तीन पेजेस बनाएंगे तीन स्टोर्स के लिए, एक फ्लिपकार्ट के लिए, एक अमेजॉन के लिए, एक मिंत्रा के लिए। तो इसके लिए हम पेजेस में जाएंगे और ऐड न्यू में क्लिक करेंगे और यहां पर एक फ्लिपकार्ट का पेज बनाएंगे। ऐड मीडिया में क्लिक करेंगे और यहां पर फ्लिपकार्ट स्टोर के इमेज को अपलोड करेंगे। इसके बाद इसके नीचे में हम एक बटन लगाएंगे। तो बटन लगाने के लिए हम इंसर्ट शॉर्टकोड में क्लिक करेंगे। इंसर्ट शॉर्टकोड एक प्लगइन है, आपको इसे वर्डप्रेस में इंस्टॉल करना होगा। यहां पर हम बटन टाइप करेंगे और बटन सिलेक्ट कर लेंगे। यहां पर हमको लिंक को चेंज करना है। यहां पर हमको फ्लिपकार्ट के होम पेज के एफिलिएट लिंक को लगाना है। इसके लिए हम फ्लिपकार्ट के होम पेज को कॉपी कर लेंगे और ये रहा फ्लिपकार्ट का एफिलिएट डैशबोर्ड। मैंने इसी कैप के बारे में बात किया था जो कैप लगा हुआ है और यहां पर एफिलिएट लिंक जनरेटर में उस होम पेज को इंसर्ट करने के बाद हम एफिलिएट लिंक जनरेट कर लेंगे और इसे हम शॉर्ट एंड कर देंगे ताकि लिंक छोटा हो जाए और लिंक को कॉपी करने के बाद हम यहां पर लिंक को पेस्ट कर देंगे। हम बटन का साइज को थोड़ा बढ़ा देते हैं और नीचे में यहां कंटेंट में हम लिख देंगे गो टू स्टोर और इंसर्ट शॉर्ट कोड में क्लिक कर देंगे। इस तरह से यहां पर एक कोड आ जाएगा जिससे एक बटन शो होगा। ध्यान रहे हर एक पेज को बनाने के बाद नीचे में ऐड टू एनी को अनचेक कर देना है, नहीं तो ये आपको कुछ एरर दे सकता है। तो इसे अनचेक कर ले और ऐड टू एनी को अनचेक करने के बाद इस पेज को पब्लिश कर दे। तो इस पेज को ओपन करते हैं और ये रहा फ्लिपकार्ट स्टोर का पेज और यहां पर गो टू स्टोर बटन। तो इस तरह से हम तीन पेजेस बनाएंगे फ्लिपकार्ट, अमेजोन एंड मिंत्रा के लिए और इन तीनों पेजेस को होम पेज के साथ लिंक करेंगे। तो हम होम पेज को एडिट करते हैं और यहां पर फ्लिपकार्ट के पेज को होम पेज के साथ लिंक करते हैं। हो गया। अब हम एक न्यू पेज बनाएंगे अमेजोन के लिए और यहां पर ऐड मीडिया में क्लिक करके यहां अमेजोन के इमेज को अपलोड करेंगे और इसके नीचे भी एक बटन लगाएंगे। इसके लिए इंसर्ट शॉर्टकट में क्लिक करेंगे, बटन सिलेक्ट करेंगे और यहां पर भी हम अमेजोन के होम पेज के एफिलिएट लिंक को लगाएंगे। तो अमेजोन के होम पेज में चलते हैं और यहां पर आप देख रहे हैं अमेजोन एसोसिएट्स। यहां पर हम गेट लिंक में क्लिक करके अमेजोन के होम पेज के एफिलिएट लिंक को जनरेट करेंगे। ध्यान रहे अगर आप अपने अमेजोन के एफिलिएट अकाउंट में लॉगिन रहेंगे तभी आपको ये अमेजोन एसोसिएट्स दिखेगा। और ये होम पेज का एफिलिएट लिंक जनरेट हो गया, इसे कॉपी करते हैं और यहां पर पेस्ट करते हैं। इसके बाद यहां कुछ करना नहीं है, इंसर्ट शॉर्टकट करते हैं, ये बटन आ गया और इसके बाद इस पेज को पब्लिश कर देते हैं। अब इस पेज को ओपन करते हैं और ये बटन आ गया। अब इस पेज को लिंक कर देंगे होम पेज के साथ और ये अमेजन के पेज को होम पेज के साथ लिंक कर दिए। इसके बाद हम तीसरा पेज बनाएंगे मिंत्रा के लिए, अगेन सेम प्रोसेस है। बटन लगाना है
मिंत्रा के होम पेज का एफिलिएट लिंक लगाना है। इसके लिए हम वी कमीशन के डैशबोर्ड में जाएंगे, यहां मिंत्रा सर्च करेंगे और ये रहा मिंत्रा, यही उसका एफिलिएट लिंक है होम पेज का। इसे कॉपी करके पेस्ट कर देंगे। और इसके बाद इस पेज को पब्लिश कर देंगे और अगेन इस पेज को होम पेज के साथ लिंक करेंगे। और ये लिंक हो गया और इसके बाद इस होम पेज को अपडेट कर देंगे। मैंने यहां तीन स्टोर के पेजेस को लिंक किया और इसी तरह से आपको बाकी स्टोर्स के पेजेस को भी बनाना है और होम पेज के साथ लिंक करना है। तो चलिए फिर होम पेज को देखते हैं। ये रहा होम पेज। यहां पर इस टाइटल को हाइड कराना चाहिए, तो इसके लिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो प्लगइन में चलते हैं। तो इस प्लगइन का नाम है टाइटल रिमूवर। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल कर रखा है, आपको इसे इंस्टॉल करना है। और जब आप इसे इंस्टॉल कर लेंगे तो आपके पेजेस में यहां शो करेगा हाइड टाइटल। तो हम होम पेज के टाइटल को इसे चेक करके हाइड कर देंगे और इसके बाद अपडेट बटन में क्लिक करेंगे। होम पेज को रिलोड करते हैं और ये देखिए टाइटल गायब हो गया। तो इस तरह से आप किसी भी पेज के टाइटल को हाइड कर सकते हैं इस प्लगइन के हेल्प से। इसके बाद एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो इसके लिए हम प्लगइन में चलते हैं, ऐड न्यू में क्लिक करते हैं और यहां पर सर्च करते हैं उस प्लगइन को, एफिलिएट कूपन्स। इस प्लगइन का नाम है एफिलिएट कूपन्स और इसे इंस्टॉल करते हैं और एक्टिवेट करते हैं। ये रहा एफिलिएट कूपन्स प्लगइन। इसी प्लगइन के हेल्प से हम अपने स्टोर में कूपन्स एंड डील पोस्ट करेंगे। तो इस एफिलिएट कूपन्स प्लगइन में कुछ सेटिंग करना है तो वो सेटिंग कर लेते हैं। तो इसके लिए हम सेटिंग में चलते हैं और यहाँ जनरल सेटिंग में जाते हैं। यहाँ ग्रिड को हम लिस्ट कर लेते हैं और यहाँ नीचे में 90 को हम 200 कर देंगे, जिससे लेंथ बढ़ जाएगा डिस्क्रिप्शन का। और इसके बाद हम नीचे सेव चेंजेस में क्लिक करेंगे। तो ये सेटिंग हो गया एफिलिएट कूपन्स में। अब हम वेंडर में क्लिक करेंगे। यहां पर हम तीन वेंडर ऐड करेंगे, फ्लिपकार्ट, अमेजोन और मिंत्रा के लिए। इसी तरह से आपको बाकी स्टोर्स का भी वेंडर ऐड करना है। तो पहले फ्लिपकार्ट को ऐड करते हैं और यहां पर इमेज ऐड करते हैं और इसे पब्लिश करते हैं। इसी तरह अमेजोन का वेंडर ऐड करते हैं, ऐड वेंडर में क्लिक करते हैं इमेज अपलोड कर लेते हैं और पब्लिश कर देते हैं। अब मिंत्रा का करते हैं। और इसे भी पब्लिश कर देते हैं। अब हम वेंडर्स में क्लिक करेंगे और यहां पर हर एक वेंडर्स के शॉर्ट कोड्स को कॉपी करके उसके पेज में पेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले फ्लिपकार्ट के शॉर्ट कोड्स को कॉपी करते हैं और फ्लिपकार्ट के पेज में इसे पेस्ट करना है और इस बटन के नीचे में इसे हम पेस्ट कर देंगे और अपडेट कर देंगे। इसी तरह से अमेजोन का करेंगे। एंड लास्ट मिंत्रा का करेंगे। आप और भी जो भी स्टोर्स ऐड करेंगे उसमें भी आपको सेम प्रोसेस से वेंडर बनाकर वेंडर के शॉर्ट कोड्स को इस तरह से उसके रेस्पेक्टिव पेजेस में पेस्ट करना होगा। अब कूपन्स एंड डील्स कैसे पोस्ट करना है ये आपको बताते हैं। तो इसके लिए हम एफिलिएट कूपन्स में जाएंगे और ऐड कूपन में क्लिक करेंगे। यहां पर हम आपको फ्लिपकार्ट से डील्स पोस्ट करके बताते हैं। तो फ्लिपकार्ट के ऑफर्स जोन्स में जाते हैं और इस डील को पोस्ट करते हैं। तो इसे कॉपी कर लेते हैं और यहां पेस्ट कर देते हैं। इमेजेस को डिलीट कर देते हैं, कॉपी किया हुआ इमेज को डिलीट कर देंगे वरना ये आपको एरर दे सकता है। अगर आपको इमेज अपलोड करना है तो नीचे में इमेज अपलोड करने का ऑप्शन है, आप वहां से इमेज अपलोड कर सकते हैं। यहां पर वेंडर सेलेक्ट कर लेंगे क्योंकि ये फ्लिपकार्ट का डील है, तो फ्लिपकार्ट सेलेक्ट करेंगे और ये डिस्काउंट को कॉपी करके यहां डिस्काउंट में पेस्ट कर देंगे। यहां पर हम वैलिड डेट, ऑफर कब शुरू होगा, ऑफर कब खत्म होगा, उसका डेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और यहां यूआरएल में आपको एफिलिएट लिंक पेस्ट करना है। तो एफिलिएट लिंक के लिए हम उस डील के पेज को ओपन करेंगे, उस पेज के यूआरएल को कॉपी करेंगे
उस लिंक को फ्लिपकार्ट के एफिलिएट डैशबोर्ड में एफिलिएट लिंक जनरेटर में पेस्ट करेंगे और एफिलिएट लिंक जनरेट करेंगे और उसके बाद उस लिंक को शॉर्टन कर देंगे ताकि छोटा लिंक मिले और उसके बाद इस लिंक को कॉपी करके यहाँ यूआरएल में पेस्ट कर देंगे और पब्लिश कर देंगे। इसी तरह से फ्लिपकार्ट से एक और डील पोस्ट करते हैं। अब हम लिंक को कॉपी करेंगे और फ्लिपकार्ट के एफिलिएट डैशबोर्ड से एफिलिएट लिंक जनरेट करेंगे और इस एफिलिएट लिंक को यहां पर पेस्ट करेंगे और ये हो गया। तो चलिए अब साइट को देख लेते हैं कि फ्लिपकार्ट का कूपन्स एंड डील्स कैसा दिख रहा है। तो ये रहा, यही दो डील्स मैंने पोस्ट किया अभी, ये ओपन हो रहा है सही से। अब इसी तरह से अमेजोन में डील्स पोस्ट करते हैं। और इस डील्स के पेज को ओपन करके यहां से अमेजोन का एफिलिएट लिंक जनरेट कर लेते हैं और एफिलिएट लिंक को पेस्ट करने के बाद इसे अपडेट कर देते हैं। तो चलिए फिर अमेजोन के पेज में अमेजोन के डील को देख लेते हैं। ये रहा वो डील, परफेक्ट है। अब हम मिंत्रा के पेज में एक डील पोस्ट करेंगे। तो प्रोसेस सेम है, मिंत्रा में जाएंगे, वहां से एक डील सर्च करेंगे, ये पूमा का डील्स को लेते हैं, पूमा सूज, और इसे कॉपी करके सेम प्रोसेस से एक मिंत्रा का डील पोस्ट करेंगे। और एफिलिएट लिंक के लिए हम इस यूआरएल को कॉपी करेंगे और वी कमीशन के डैशबोर्ड में जाकर डीप लिंक के हेल्प से एफिलिएट लिंक जनरेट करेंगे। और इसे यहां पेस्ट कर देंगे और अपडेट कर देंगे। तो इस डील को भी देख लेते हैं मिंत्रा के पेज में। ये रहा मिंत्रा का डील जो कि परफेक्ट है। इसके बाद हम एक स्लाइडर लगाएंगे कूपन एंड डील साइट में। तो इसके लिए हम एक प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। तो प्लगइन में चलते हैं और यहां पर स्मार्ट स्लाइडर 3 सर्च करेंगे। ये रहा स्मार्ट स्लाइडर 3, इसे इंस्टॉल एंड एक्टिवेट कर लेंगे। हो गया ये। ये रहा स्मार्ट स्लाइडर 3, इसे ओपन करते हैं और यहां पर एक न्यू स्लाइडर क्रिएट करेंगे। यहां डिफॉल्ट रहने देंगे और नीचे क्रिएट बटन में क्लिक करेंगे। यहां पर हम स्लाइडर के लिए इमेज अपलोड कर लेंगे। ये 3 इमेजेस को सिलेक्ट करते हैं और यहां पीएचपी कोड को कॉपी कर लेते हैं और इस पीएचपी कोड को हम वहां पर पेस्ट कर देंगे जहां पर हम ये स्लाइडर को शो कराना चाहते हैं। तो इसके लिए हम अपीयरेंस में जाएंगे और थीम को एडिट करेंगे क्योंकि मुझे थीम के अंदर में इस स्लाइडर को शो कराना है। तो हम थीम के कोड में चलते हैं और थीम के हेडर फाइल में जाते हैं और यहां पर मेन नेविगेशन के नीचे में इसे पेस्ट कर देंगे और नीचे अपडेट कर देंगे। इसके बाद हमें स्लाइडर में कुछ सेटिंग्स करना है, जैसे ऑटो प्ले। ऑटो प्ले को हम ऑन कर देंगे और यहां पर 3000 मिलीसेकंड कर देंगे जिससे 3 सेकंड में ये ऑटोमेटिक प्ले होते रहेगा स्लाइडर। यहां पर हम स्लाइडर का साइज सेलेक्ट कर लेंगे, विड्थ 1400 एंड हाइट में 400 पिक्सल। और इसके बाद सेव बटन में क्लिक करेंगे। तो ये स्लाइडर सेटअप हो गया। अब हम देखते हैं कि स्लाइडर कैसा लग रहा है। ये रहा स्लाइडर और ये ऑटो प्ले हो रहा है, बिल्कुल परफेक्ट है। एक काम हम करते हैं, स्टोर्स के ऊपर में पॉपुलर स्टोर्स लिख देते हैं। तो इसके लिए हम होम पेज में चलते हैं और यहां पर पॉपुलर स्टोर्स लिख देते हैं।
और इसे बोल्ड कर देते हैं। ये रहा पॉपुलर स्टोर्स। अब हम मेनू को सेटअप करेंगे, तो इसके लिए हम अपीयरेंस में जाएंगे और मेनू में जाएंगे और यहां पर एक मेनू क्रिएट करेंगे। क्रिएट न्यू मेनू में क्लिक करेंगे, मेनू का नाम स्टोर मेनू रखते हैं और क्रिएट मेनू में क्लिक करते हैं। इसके बाद हम इसमें पेजेस ऐड करते हैं कि कौन कौन सा पेजेस को हम मेनू में शो कराना चाहते हैं। तो मिंत्रा, अमेजोन, फ्लिपकार्ट को हम ऐड कर देते हैं यहां पर और इसे प्राइमरी मेनू चेक कर देते हैं और इसके बाद सेव मेनू में क्लिक करते हैं। तो चलिए फिर देखते हैं मेनू सेटअप हुआ या नहीं। ये देखिए मेनू सेटअप हो गया। इसके बाद हम होम पेज में लेटेस्ट कूपन्स एंड डील्स शो कराएंगे। तो इसके लिए हम एफिलिएट कूपन्स प्लगइन के सेटिंग में जाएंगे और यहां पर शो ऑल कूपन्स, तो हमें शो ऑल कूपन्स नहीं कराना है, यहां हम टॉप लेटेस्ट कूपन्स एंड डील्स को शो कराएंगे। इसके लिए हम एफिलिएट कूप्स मैक्सिमम 10 इसे कॉपी करके होम पेज में पेस्ट कर देंगे। इससे क्या होगा, 10 लेटेस्ट कूपन्स एंड डील्स होम पेज में शो करेगा। तो होम पेज में चलते हैं और इसे नीचे में पेस्ट कर देते हैं। और उसके बाद इस पेज को अपडेट कर देते हैं। बस हो गया। अब देखते हैं कैसा लग रहा है होम पेज। ये देखिए लेटेस्ट कूपन्स होम पेज में शो कर रहा है। तो इस तरह से हमारा कूपन एंड डील वेबसाइट कंप्लीट हुआ। इसके बाद आपको बताते हैं कि कंटेंट एग और एफिलिएट एग प्लगइन को कैसे यूज करना है और इसका क्या बेनिफिट्स है। एफिलिएट एग प्रो एक प्रीमियम प्लगइन है, इसे आपको परचेस करना होगा। कंटेंट एग आप फ्री में यूज कर सकते हैं। कंटेंट एग और एफिलिएट एग प्लगइन के हेल्प से आप डायरेक्ट किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग स्टोर से डेटा फेच कर सकते हैं, मतलब उसके डील्स, उसके प्रोडक्ट्स को अपने वेबसाइट में बिना किसी मेहनत के ला सकते हैं, डायरेक्टली फेच कर सकते हैं अपने कूपन एंड डील वेबसाइट में। तो डिस्क्रिप्शन में आपको कंटेंट एग एफिलिएट एग प्रो की लिंक मिल जाएगी। तो पहले कंटेंट एग और एफिलिएट एक प्लगइन को इंटीग्रेशन करना है, तो इसके लिए हम कंटेंट एक प्लगइन में चलते हैं और यहाँ एफिलिएट एक इंटीग्रेशन में क्लिक करते हैं और यहाँ पर वो सारे स्टोर्स को हम चेक कर देंगे जिसके एफिलिएट प्रोग्राम से हम जुड़े हुए हैं। और इसे चेक करने के बाद नीचे सेव बटन में क्लिक करेंगे। ऐसा करने से ये सारा स्टोर्स आपको कंटेंट एक के प्लगइन में शो करेगा। तो हम यहाँ फ्लिपकार्ट को ओपन करेंगे और यहाँ सेटअप करके आपको बताएंगे। यहाँ पर इसे एनेबल मॉड्यूल में चेक कर देंगे, नीचे में लिस्ट कर देंगे और यहाँ पर आपको अपना एफिलिएट आईडी पेस्ट करना है और यहाँ रिजल्ट में हमारा 3 किया हुआ है और नीचे में सेव बटन में क्लिक करना है। तो जिस पेज में हमें डेटा फेच करना है उसे ओपन करते हैं। तो यहाँ हम फ्लिपकार्ट के पेज में फ्लिपकार्ट के डील्स और प्रोडक्ट्स को फेच करेंगे कंटेंट एग एंड एफिलिएट एग के हेल्प से। तो फ्लिपकार्ट के पेज को ओपन करते हैं और यहाँ आपको नीचे में दिखेगा कंटेंट एग, यहाँ aeflipkart.com लिखा हुआ है। यहाँ पर हम प्रोडक्ट का नाम टाइप करेंगे और इसे सर्च करेंगे। ये देखिए 3 रिजल्ट आ गया डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से। और यहाँ पर हम इसका आईडी को कॉपी करेंगे और कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और 3 प्रोडक्ट आपको ऑटोमेटिक फ्लिपकार्ट से फेच हो गया जो कि आपके फ्लिपकार्ट के पेज में शो करेगा। तो चलिए फिर आपको दिखाते हैं। ये देखिए वो 3 प्रोडक्ट्स डायरेक्टली उसका टाइटल, उसका प्राइस फेच हो गया फ्लिपकार्ट से और इसका प्राइस ऑटोमेटिक अपडेट करते रहेगा। तो इस प्रोडक्ट का प्राइस को बार बार आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। इस कंटेंट एग और एफिलिएट एग प्लगइन का यूज आप पेजेस में एंड पोस्ट में कर सकते हैं। तो चलिए फिर एक पोस्ट करके आपको बताते हैं। तो एक न्यू पोस्ट करते हैं और यहाँ पर फ्लिपकार्ट का पूमा शूज का एक डील पोस्ट करते हैं। नीचे में फ्लिपकार्ट में जाते हैं, यहाँ अगेन पूमा शूज टाइप करके सर्च करते हैं। ये 3 प्रोडक्ट को हम सिलेक्ट कर लिए, कॉपी किए आईडी को और यहाँ पर पेस्ट कर लिए। यहाँ कंटेंट एग में 3 प्रोडक्ट ही शो कर रहा है क्योंकि मैंने कंटेंट एग के सेटिंग में रिजल्ट में 3 करके रखा है। ये देखिए आप चाहे तो इसे 6-10 कर सकते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा समय ज्यादा लगेगा फेच करने में। इससे आपको कंटेंट एग का ज्यादा रिजल्ट शो होगा और इसके बाद इसे पब्लिश कर देंगे।
तो चलिए इस पोस्ट को देखते हैं। तो ये देखिए पुमा का 3 शूज जो मैंने फेच किया फ्लिपकार्ट से। प्राइस, टाइटल, इसका प्राइस ऑटोमेटिक अपडेट होता रहेगा। इस एफिलिएट एक प्लगइन का एक और फायदा है, इसे आपको बताते हैं। एफिलिएट एक प्लगइन के स्टोर फ्रंट्स के हेल्प से आप किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट्स के यूआरएल से अप टू 100 प्रोडक्ट्स इंपोर्ट कर सकते हैं अपने कूपन एंड डील वेबसाइट में, वो भी बहुत इजीली। तो हम फ्लिपकार्ट में चलते हैं और यहां पर इस यूआरएल को कॉपी करते हैं और यहां जो आपको प्रोडक्ट्स हो रहा है इन्हीं प्रोडक्ट्स को हम अपने कूपन एंड डील वेबसाइट में फेच करते हैं। तो इसके लिए हम इस यूआरएल को कॉपी कर लेते हैं और कॉपी करने के बाद एफिलिएट एक प्रो प्लगइन में जाकर एड स्टोर फ्रंट में क्लिक करते हैं और यहां पर यूआरएल को पेस्ट करते हैं और यहां पर टी शर्ट डील्स फ्लिपकार्ट लिखने के बाद नीचे 100 किया हुआ है लिमिट, तो इसे हम 6 कर देते हैं। आप चाहे तो 10 भी कर सकते हैं। इससे क्या होगा, यहां पर 6 प्रोडक्ट फेच होगा और फेच करने के बाद इस शॉर्टकोड को कॉपी करके हम एक पोस्ट में पेस्ट कर देंगे। लेटेस्ट टी शर्ट्स डील और इस आईडी को यहां पेस्ट करने के बाद इस पेज को पब्लिश कर देंगे। तो चलिए फिर इस पेज को देखते हैं। ये देखिए आपके सामने 6 प्रोडक्ट फेच हो गया डायरेक्टली फ्लिपकार्ट से। तो इस तरह से आप कंटेंट एग और एफिलिएट एग के हेल्प से किसी भी ऑनलाइन शॉपिंग साइट से डेटा फेच कर सकते हैं। एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए आपको गूगल का सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड स्टूडियो का थोड़ी नॉलेज होनी चाहिए, तभी आप अपने कूपन एंड डील वेबसाइट का एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। मैंने कूपनसले का एंड्रॉयड एप्लीकेशन बनाने के लिए एक रेडीमेड सोर्स कोड परचेस किया, जिसमें थोड़ी मोड़ी सेटिंग करके आप बहुत इजीली अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं। एंड्रॉयड ऐप के इस सोर्स कोड का नाम वेब 2 ऐप है। डिस्क्रिप्शन में आपको इसकी लिंक मिल जाएगी, लेकिन इसके लिए भी आपको बेसिक एंड्रॉयड स्टूडियो का नॉलेज होना चाहिए। लेकिन अगर आपको एंड्रॉयड स्टूडियो की नॉलेज नहीं है तो आप अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन ऐप गीजर में जाकर बना सकते हैं। ऐप गीजर में आप फ्री में अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन बना सकते हैं और वो भी बिना किसी कोडिंग के नॉलेज के, कोई भी अपना एंड्रॉयड एप्लीकेशन वहाँ बना सकता है और वहीं से आप अपने एंड्रॉयड एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर में पब्लिश कर सकते हैं। लेकिन गूगल प्ले स्टोर में ऐप पब्लिश करने से पहले आपके पास एक गूगल प्ले कंसोल अकाउंट होना चाहिए। गूगल प्ले कंसोल अकाउंट परचेस करने के लिए आपको $25 गूगल को पेमेंट करना पड़ता है और ये $25 वन टाइम पेमेंट है। वीडियो थोड़ी लंबी हो गई है क्योंकि बहुत कुछ बताना था इस वीडियो में, इसलिए कुछ कुछ चीजें मैंने इस वीडियो में डिटेल में नहीं बताया है क्योंकि वीडियो और भी लंबी हो जाती। तो जो भी पार्ट इस वीडियो में नहीं है वो सारा चीज आपको इसके आर्टिकल में मिल जाएगा। इसी टॉपिक में मैंने earningbaba.com में एक आर्टिकल लिखा है, आप उस आर्टिकल में जाकर उन सभी चीजों के बारे में जान सकते हैं डिटेल में। और अगर फिर भी आपको कोई कंफ्यूजन हो या फिर कोई चीज समझ में ना आए तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में मेरी ईमेल आईडी आपको मिल जाएगी। अगर आपको इस वीडियो का इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो और आप ऐसे वीडियोस और भी चाहते हैं तो लाइक कीजिए इस वीडियो को, मुझे लाइक्स चाहिए। और अगर आप नए हैं और नए नए बिजनेस आइडियाज की तलाश में हैं तो सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, क्योंकि यहाँ आपको नए नए बिजनेस आइडियाज पर वीडियोस मिलते रहेंगे। और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स को फेसबुक में, व्हाट्सएप में शेयर करना बिल्कुल मत भूले। और जाते जाते इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।